हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में जो हमारा आज का जो लेक्चर है यूनिट 3, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको फर्स्ट लेक्चर में दे चुके हैं, तो आज यूनिट 3 शुरू है और यूनिट 4, दो दो यूनिट का पर डे लेक्चर आप लोग को मिलेगा। तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और उसके लिए रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन के लिए रिवीजन सीरीज आपके लिए है। लेकिन उससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा नहीं कम से कम दो फ्रेंडों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए यूनिट 3 की। हमारा यूनिट 3 है सांख्यिकी अनुसंधान अर्थात स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। पहले लेक्चर में आप जाने कि भाई सांख्यिकी एक परिचय के बारे में और सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के क्या कारण है यह जाने। आज दूसरे लेक्चर में यूनिट 3 हमारा है सांख्यिकी अनुसंधान। सबसे पहले जो सांख्यिकी लिखा है, सांख्यिकी और अनुसंधान, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी एक अलग चीज है और अनुसंधान एक अलग चीज है। ठीक है, यहां मुख्य हमें जानना है, क्योंकि पीछे के लेक्चर में केवल आप सांख्यिकी के बारे में जाने थे, यहां अनुसंधान के बारे में जानना है कि अनुसंधान होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। सामान्य तौर पर इसको देखा जाए, अनुसंधान का मतलब होता है जांच। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? एक जांच करना, अर्थात किसी भी चीज की खोज करना। जब भी हम किसी भी चीज के बारे में खोज करते हैं, कोई नई चीज के बारे में, जिसको खोजा गया है उसको तो खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी खोज सकता है, लेकिन जिसको नहीं खोजा गया, जिसको नहीं देखे है, जिसका प्रयोग नहीं किए, उसको खोजना बहुत बड़ी बात है। प्रश्न ये उठता है कि अनुसंधान क्या है? तो अनुसंधान का मतलब होता है किसी भी प्रकार की जांच या खोज करना या उसका अन्वेषण करना या उसका इन्वेस्टिगेशन करना ही अनुसंधान कहलाता है। प्रश्न ये उठता है कि सांख्यिकी में इस अनुसंधान का क्या संबंध है? सांख्यिकी अनुसंधान होता क्या? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी गणनाओं का एक खेल जिसमें गणितीय क्रिया किया जाता है। जितने भी प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन डाटाओं का हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं और एक निश्चित विधि से करते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, एक तरीके से करते हैं। तो जब उन डाटाओं का, उन सूचनाओं का, उन आंकड़ों का सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए उसे उपयोगी बनाते हैं, या किसी भी उपयोगी कैसे बनाएंगे, गणितीय क्रिया करके बनाते हैं, तो हमारा सांख्यिकी कहलाता है, जिससे कि हम भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं। वहीं पर जब अनुसंधान है कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, कि जब सांख्यिकी की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, कोई नई तकनीक के बारे में अध्ययन करते हैं, या सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं उनसे कुछ नए आंकड़े हमें प्राप्त करते हैं, ठीक है, या नई प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं जिसको सांख्यिकी में प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है? सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। जो ये अनुसंधान कार्य है, अनुसंधान कार्य में कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको जानना एकदम जरूरी है। ठीक है, अनुसंधान जो व्यक्ति करता है उसको तो हम कहते हैं अनुसंधानकर्ता, अनुसंधानकर्ता कहा जाता। अनुसंधानकर्ता क्या कहा जाता, ये कौन होता है? अनुसंधान करने वाला, अनुसंधान करने वाला, जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसको अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। इसमें एक और शब्दावली जुड़ी है, प्रगणक। प्रगणक कौन होता है?
प्रगणक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? इस अनुसंधान कार्य में जो सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, जो इस अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करता है, ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति को प्रगणक कहा जाता है। इसमें एक और पर्सन होता है जिसका नाम है सूचक। सूचक किसे कहा जाता है? सूचक का मतलब होता है जो अनुसंधान कार्य से रिलेटेड बातों की विभिन्न प्रकार की जानकारियां देता है, अर्थात जो सूचना देता, सूचना देने का कार्य करता, तो इसे क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। वैसे तो अनुसंधान कार्य नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं, हर क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन वही अनुसंधान यदि सांख्यिकी के क्षेत्र में हो रहा है तो सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान एक ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता बहुत पहले से चली आ रही है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी डाटा देख रहे हैं उपलब्ध है, चाहे किसी भी सेक्टर के डाटा हो, उस सारे स्टैटिकल डाटा होते हैं, अर्थात सांख्यिकी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है और उस कम समय में अधिक से अधिक उपयोगी सूचनाएँ प्राप्त करना, जानकारियाँ प्राप्त करना, वो सांख्यिकी के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सांख्यिकी एक ऐसी क्रिया है जिससे क्या नाम है, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में वो तुरंत सेट हो जाता है, समझिए, बाकी जो है उससे भी होता है लेकिन उतना सटीक नहीं होता। जैसे कि सांख्यिकी में हम रेखा चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज को प्रदर्शित करते हैं, बाजार भाव के उतार चढ़ाव देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में अक्सर निकलता है बाजार भाव। अब बाजार भाव में कभी कभी ऐसे टेबल रंगीन बना रहता है, ऐसे ग्रोथ करता है, कभी ऐसे डाउन रहता है, कभी ऐसे ऐसे रहता है नागिन की तरह। तो क्या है, ये सब स्टैटिकल डाटा सांख्यिकी से रिलेटेड है, जिसको देखकर कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है कि भाई क्या है कि नहीं, हमारा आज का रेट ग्रोथ की है कि डाउन जा रहा है कि क्या है। प्रश्न ये उठता है कि सांख्यिकी अनुसंधान के चरण, कि जो हमारा सांख्यिकी अनुसंधान किया जाता है उसके क्या कुछ स्टेप्स दिए गए, ठीक है ना, आइए लिखते हैं सांख्यिकी अनुसंधान के चरण, अनुसंधान के चरण। सांख्यिकी जो अनुसंधान के स्टेप है, कदम है, इसको चरण भी कहा जाता है और कदम भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्टेप भी कहा जाता है, कि सांख्यिकी अनुसंधान के कौन कौन से स्टेप है, मतलब कि यदि आप एक अच्छे अनुसंधान करता है तो ऐसी दशा में अनुसंधान कार्य करते समय या सांख्यिकी का अनुसंधान कार्य करते समय कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, कौन कौन से वो स्टेप होते हैं जिसको आप अपना सकते हो। सबसे पहला है सांख्यिक अनुसंधान का आयोजन। कोई भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसको करने से पहले सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो पहला है अनुसंधान का आयोजन। अनुसंधान का आयोजन, आयोजन मतलब योजना बनाना, प्लानिंग करना, कि सबसे पहले देखे होंगे कि कोई भी आदमी कोई भी कार्य करता है तो करने के पहले पहले तो दिमाग में सेट करता है कि भाई कैसे कैसे करना है, ऐसे ऐसे इस समय जाना है, आना है, इतना व्यय होगा, इतना आय होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद से यदि डाटा बड़ा है तो वह पेन कापी का प्रयोग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ही के यहाँ कोई शादी है या फंक्शन है, कोई चीज है या कोई कार्य करना, मकान बनवाना, तो उसको करने से पहले क्या करेंगे, छोटा मोटा होगा तो दिमाग में सेट कर लेंगे, लेकिन बड़ा यदि होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी निकालेंगे, भाई किसको किसको बुलाना है, कितना खर्च होगा, किस कौन कौन सा मत लगेगा, क्या क्या चीज की और व्यवस्था करना है, तमाम चीजें के बारे में जिक्र करेंगे, टोटल बजट हमारा कितना हुआ। ये क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि हमें ये अनुसंधान कार्य कब, कैसे, किस ढंग से, किस प्रकार से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है,
किस तरीके से करना है, किस विधि को अपनाना है, इसको करने में हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है, ये सब क्या कहलाता है? अनुसंधान का आयोजन कहलाता है। अगला है समंकों का संकलन। अगला क्या है? समंकों का संकलन। समंकों का संकलन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या होता है कि जब हम कोई भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जब कोई भी अनुसंधान कार्य हम कर रहे हैं, तो अनुसंधान कार्य करते समय उसमें जो जो चीज चाहिए, अभी जैसे एग्जांपल दिया कि आपके यहां कोई फंक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले तो मस्तिष्क में बैठाएंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे ऐसे क्या करना है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके लिए सूचनाएं एकत्र करेंगे, मतलब सामानों की व्यवस्था करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, वैसे स्टैटिक्स में डाटा दो तरीके होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। तो जितने भी प्रकार की सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं को हम क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाए, ताकि हम व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे कि आपको पढ़ना लिखना है तो एक अलमारी सजा कर रखे होंगे, अलमारी में सारे सब्जेक्ट की किताब कॉपी अपना जो भी है रखना है, कि कभी भी ढूंढना हो, कोई भी कार्य करना हो, कोई भी पढ़ना हो किसी भी टॉपिक में, तुरंत उसमें से निकाले अपना काम करेंगे, तो कलेक्शन करेंगे। अगला है समंकों का संपादन। समंकों का संपादन, समंकों का संपादन मतलब एडिटिंग ऑफ डाटा। बहुत सारी सूचनाएं जब एकत्र कर लेते हैं तो कुछ उसमें एडिटिंग भी करते हैं, कुछ करेक्शन भी करते हैं कि ना यार इसको रखना ठीक नहीं है, इसको हटाया जाए, इसकी जगह पे ये ले आया गया, ये क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। उसी तरह जब सांख्यिकी अनुसंधान में या किसी भी अनुसंधान में जब हम डाटाओं को कलेक्ट करते हैं तो जो उपयोगी होता है उसका यूज करते हैं, जो अनयूज्ड होता है उसको किनारे कर देते हैं, या उस उपयोगी में कुछ अनयूज्ड है तो उसको भी बाहर कर देते हैं, तो इसे एडिटिंग ऑफ डाटा कहा जाता है। अगला है समंकों का प्रस्तुतीकरण। अगला है समंकों का प्रस्तुतीकरण। समंकों का प्रस्तुतीकरण क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि जब सब कलेक्ट कर लिए उसको उपयोग में लाए तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये सामने रखा है, ये हमारा रिजल्ट है। अब उस दिन शादी ब्याह फंक्शन के दिन क्या होगा, भव्य आयोजन करेंगे हम, प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने कि भाई कि हमने ये प्रोग्राम रखा है, ये हमारी व्यवस्था है, ये आयोजन है। उसी तरह जब इन्वेस्टिगेशन में कोई भी डाटा कलेक्ट की जाती है तो उसका एक समय आता है जहां पर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, अर्थात सबके सामने रखते हैं। अगला है समंकों का विश्लेषण। समंकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब जब प्रेजेंटेशन होगा तब उस पर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे भाई क्या ठीक रहा और क्या कमी रहा, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, जिसे एनालिसिस ऑफ डाटा कहा जाता है। और लास्ट है समंकों का निर्वचन व निष्कर्ष। अगला है समंकों का निर्वचन, जिसको निष्कर्ष भी कहा जाता है, मतलब कि फाइनल उस पर रिजल्ट निकालेंगे, डन कर देंगे, कहां बस हमने यही इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में हमारा परिणाम क्या हुआ, तो इसे समंकों का निर्वचन कहा। आगे बढ़ते हैं, ये तो स्टेप उसके थे, मैं मिटा रहा हूं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इधर से मिटा रहे हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। और यदि आपके कोई फ्रेंड भी वगैरह भी हो तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना देख लें, क्योंकि एग्जाम आपका भी है, उनका भी है, सभी अच्छे नंबर से पास हों। बस प्रश्न ये उठता है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, कि एक अच्छे आप अनुसंधान करता है तो सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन कैसे करेंगे? सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आता है, ये अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक अनुसंधानकर्ता, आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, आपको एक किसी भी कंपनी या संस्था फर्म के कुछ डाटा कलेक्ट करने या उसके विषय में खोजने के लिए मिला, आप अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं, तो अनुसंधान कार्य करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अनुसंधान कार्य करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। या ऐसे भी हो सकता है, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आप एक अनुसंधान करता है, उसका आयोजन कर रहे हैं, मतलब अनुसंधान करना शुरू कर रहे हैं, तो अनुसंधान करते समय आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है इसमें समस्या को परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करना। समस्या को परिभाषित करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने कहा कॉलेज में आपके कितने बच्चे हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, उनका क्या रेशियो है, मतलब परसेंटेज क्या है, उनकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, वजन कितना है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी करने के लिए। तो सबसे पहले कोई भी अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उसमें देखते हैं समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, अर्थात वो किस पर्पस से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उसको करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, किस समस्या के कारण हम इस प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं या उसका आयोजन कर रहे हैं, उसको अनुसंधान करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करता है, अनुसंधान का आयोजन करता है, तो सबसे पहले उस अनुसंधान से संबंधित समस्याओं से परिचित होना चाहिए, उसे परिभाषित करना चाहिए कि किस वजह से ऐसा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। देखते होंगे खेतों में धान गेहूं काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिसको हार्वेस्टर कहा जाता है। तो क्या है ये, साधारण भाषा में कंबाइन कहा जाता है, क्या है, आखिर कोई टेक्नोलॉजी यूज हुई है, किसी ने रिसर्च किया होगा कि काश कुछ ऐसा होता कि जिसमें हमारी जरूरतें नहीं पड़ती, वो खुद ऑटोमेटिक काट। तो क्या है, किसी ने उस समस्या को गंभीरता पूर्वक समझा, उसका उद्देश्य समझा, उसका पर्पस समझा, उसका रीजन कारण समझा, तभी उसका आविष्कार किया। उसी तरह हमें कोई भी अनुसंधान करना चाहिए तो उसमें जितनी भी समस्याएं हैं, उसके ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, पर्पस है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अनुसंधान के उद्देश्य। अनुसंधान के उद्देश्य, ठीक है, अनुसंधान का आयोजन करते समय जो अनुसंधान करता है हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार का डाटा एकत्र के कोई भी कार्य करे, उसका उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये कार्य किस पर्पस से कर रहे हैं। जैसे कि आप एक स्टूडेंट, आप बीकॉम के स्टूडेंट, आपको पढ़ाई करते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है। यदि हम बीकॉम कर रहे हैं तो हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा लक्ष्य 80% या 80+ मिल जाए। तो आपका यदि टारगेट रहेगा, उद्देश्य रहेगा कि हमको 80+ पाना है, 90+ पाना है या 70+ पाना, जो भी आपकी गेनिंग हो, तो जब उसको ध्यान में रख के कर रहे हैं तो आप उसी रेशियो से पढ़ाई करेंगे। लेकिन आपको बस ये सोच के पढ़ना है कि पास हो जाना है, घर वाले बोलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे, कोई काम धाम मिल जाएगा, करेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे, हो जाएगा, तो कहां से अच्छा नंबर मिलेगा, उसी लायक मिलेगा, जैसा सोचेंगे वैसे ही मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्य करते समय उसका पर्पज जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो काम उतना मन से नहीं होगा, वो तो समझिए फॉर्मेलिटी होगा। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मन लगा कर पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फॉर्मेलिटी ना होगा। तो अनुसंधान के उद्देश्य निश्चित होने चाहिए। अगला अगला हमारा टॉपिक है अनुसंधान के क्षेत्र। अनुसंधान के क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र का मतलब है क्या है? अनुसंधान का क्षेत्र का मतलब है कि जिस चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खोज रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसका एरिया कितना बड़ा है, यहां से लेकर 2 किलोमीटर है कि पूरा स्टेट है कि पूरा देश है कि पूरी दुनिया है। अर्थात हमें अनुसंधान के लिए जो उपयोगी सूचनाएं मिलेंगी वो कहाँ से मिलेगी, इतने एरिया से मिलेगी। सपोज दैट अभी कॉम में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो चाहे जिस यूनिवर्सिटी में, तो आपका बिजनेस स्टैटिक्स का जो चल रहा है, ता बुक तो जो आती होगी तो पूरे ऑल इंडिया बेस पे आती होगी, लेकिन पढ़ने से पहले आप क्या करते होंगे? हम सोचते होंगे कि भाई हम कितना पढ़ें कि मतलब उसी में से क्वेश्चन आए। तो क्या करेंगे उसके लिए? आप अपने यूनिवर्सिटी की, अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर उसका सिलेबस डाउनलोड करते हैं, और सिलेबस में जो जो लिखा रहता है वो बुक में से छांट कर वो टॉपिक पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि यही एरिया है, इतने ही में से हमारा पेपर आएगा। यदि उतना अच्छे से कवर किए हैं तो समझिए आप सक्सेस, और जो इधर उधर भटका तो गया। तो अनुसंधान का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए कि हमें जो जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं वो हमें कहाँ मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा, उसका रेंज कितना है, कितना हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है अनुसंधान का समय। अनुसंधान का समय, अनुसंधान का समय का मतलब क्या होता है? टाइमिंग, कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपना अनुसंधान कार्य एक निश्चित समय में, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल में कंप्लीट कर ले। ऐसा नहीं कि दिन रात उसी में लगे रहे, देश दुनिया से कोई मतलब है नहीं रहे, होगा तो होगा नहीं तो समझ ही रहे हैं। तो उसका टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आपको मालूम है ना कि फर्स्ट ईयर में यदि पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का टाइम कितना समय है? 1 साल। 1 साल में तो समझिए कि 3-4 महीना तो ऐसे ही निकल जाता है, कुछ एडमिशन कराने में, कुछ परीक्षा फॉर्म भरने में, कुछ विंटर वेकेशन हो जाता है, कुछ समर वेकेशन हो जाता है, कुछ परीक्षाओं में चला जाता है, बाकी जो समय मिलता है उसमें पढ़ना है आपको। ये भी मालूम है कि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ेंगे वो सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरा पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें टाइमिंग लिमिट रहती है कि ये चीज़ इतने ही समय के अंदर पढ़ना है और उसका एग्जाम दे देना, फिर आगे दूसरा चीज़ पढ़ना है। उसी तरह अनुसंधान में क्या होता है, एक टाइमिंग होनी चाहिए कि हमें यह कार्य इतने समय में पूर्ण कर लेना। आप देखिए सामने एग्जाम है आप लोग का, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, कभी भी एग्जाम हो सकता है क्योंकि सेमेस्टर है। तो आप लोग का टाइमिंग फिक्स करना चाहिए कि हमें इस स्पीड से पढ़े कि एग्जाम से बहुत पहले ही कंप्लीट कर लें, समय जब मिल जा रहा है तो रिविजन कर लें, कुछ पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो अनुसंधान कार्य में भी टाइमिंग फिक्स होनी है। जो टाइमिंग का ध्यान में नहीं रखता है, समझिए कि समय बहुत आगे निकल जाएगा, वो बढ़ता रहेगा और आपको पीछे छोड़ता रहेगा। अगला क्या होता है, सूचना के स्रोत। सूचना के स्रोत क्या होते हैं? जब भी अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान करते समय आंकड़े एकत्र करते हैं, सूचनाएं एकत्र करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां एकत्र करते हैं। तो इसमें हमें खोजना चाहिए कि भाई ये सूचना, ये जानकारियां हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये 2 तरीके से मिलता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल, मतलब एक आंतरिक स्रोत, एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या होता है कि हमें उस संस्था के अंदर ही प्राप्त हो जाती है, और बाह्य स्रोत क्या है, संस्था में नहीं प्राप्त होगी, बाहर जाइए, घूमिए, टहलिए, देखिए कहाँ मिलेगा, बाहरी जगह से मिलेगा। तो क्या होता है, इस सूचना के स्रोत होता है, ठीक ना। आगे इसमें है अनुसांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार। सांख्यिकी
अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान के प्रकार। सांख्यिकी का जब अनुसंधान करते हो तो इसके प्रकारों पर भी भली भांत चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनुसंधान कोई एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपको यह तय करना रहता है कि हमें किस टाइप का रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि हर टाइप में अलग अलग माइंड, अलग अलग विधियां, अलग अलग टेक्नोलॉजी या तौर तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को भी अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा एक क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि आप अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधान करते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ पर समझिए, इसको सेट करिए तो ज्यादा समझ में आएगा कि आप एक अच्छे अनुसंधानकर्ता, ऐसे समझिए आप एक अच्छे टीचर हैं और पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पढ़ाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ ध्यान में रखेंगे ना। उसी तरह जब एक अनुसंधान करता है और वो अगला अनुसंधान कर रहा है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उसे किन किन बातों पर ध्यान रखे ताकि उसका अनुसंधान सफल रहे, जिसमें अनुसंधान के प्रकार भी एक मुख्य पॉइंट है। अगला, माप की इकाई, माप की इकाई, ये क्या होता है? अनुसंधान कार्य में कुछ माप की इकाइयां भी होती है कि जैसे जो संख्यात्मक तथ्यों को माप लिया जाता है, संख्यात्मक तथ्य जो आंकड़ों में कलेक्ट किया जाता है, तो उसको दर के रूप में, माने रेट के रूप में लिया जाए कि परसेंटेज के रूप में लिया जाए कि अनुपात के रूप में लिया जाए, इस तरह की सूचनाएं उसे ध्यान में रखनी चाहिए, माप की इकाई निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जैसे गुणात्मक तथ्य है तो इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, लेकिन जो संख्यात्मक तथ्य है इसका एक निश्चित पैमाना है कि जो उसको उसको माप की इकाई कहा जाता है। अगला है शुद्धता का स्तर, शुद्धता का स्तर, शुद्धता का स्तर क्या है कि जो भी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि आपके कार्य में करेक्टनेस नहीं रहेगा, शुद्धता नहीं रहेगी, तब तो भरोसा कौन करेगा। आप जैसे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं, तो भाई रिजल्ट अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, सब भरोसा करेंगे आपके। अब ईमानदारी से नहीं लिख रहे हैं तो क्या होगा, पढ़ता था दिखाने के लिए पढ़ता था। तो उसी तरह अनुसंधान कार्य में जो भी सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं शुद्ध और सही, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट लिखिए जो रियल में हुआ है, चाहे वो सही हो या गलत हो जो भी। और लास्ट है समंक संग्रह की समुचित रीति, समंक संग्रहण की समुचित रीति, समुचित रीति मतलब डाटाओं को कलेक्ट करने के लिए एक सही विधि का चुनाव करना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए सही समय, सही मेथड का चुनाव करना चाहिए, उसी तरह किसी भी प्रकार का अनुसंधान करते समय एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छी विधि तौर तरीके के प्रयोग करना चाहिए। ये तो था आपका सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन किस प्रकार किया जाता है, या एक सांख्यिकी अनुसंधान करते समय अनुसंधानकर्ता को किन बातों पर ध्यान रखना, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन का टॉपिक हुआ। ठीक है, यदि इस पर आ रहा है तो ये टॉपिक नोट कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अनुसंधान, सांख्यिकी अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हमारा है सांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार, हाँ देखिए सांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार मतलब जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बता रहे हैं अभी। पहला है प्रयोग व सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान।
सबसे पहला हमारा है कि प्रयोग व सर्वेक्षण अनुसंधान। प्रश्न यह है कि प्रयोग व सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है इसमें दो चीजें, प्रयोग और सर्वेक्षण। प्रयोग अनुसंधान का मतलब होता है कि जब अनुसंधान करता जिस विषय पर अनुसंधान करता है या करना चाहता है वह स्वयं उन चीजों का प्रयोग करता है, जिस तरह एक साइंटिस्ट करता है एक के बाद एक उस पर प्रयोग करता है। हाँ, ये नहीं सटीक होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, कोई ना कोई तो होगा, तो क्या कहलाता है? प्रयोग अनुसंधान कहलाता है। और सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है कि जब अनुसंधान करता खुद जाकर स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से घूम घूम कर सूचनाओं को एकत्र करता है, उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है, कुछ रिपोर्ट प्राप्त करता है, तो इसे सर्वेक्षण अनुसंधान कहा जाता है। सर्वेक्षण मतलब घूम घूम के सर्वे करके घर वर जाके पूछ के मुआयना करके खुद चाहे उसका आदमी, तो उसे सर्वेक्षण अनुसंधान कहा जाता है। अगला है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुसंधान क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, कि जो अनुसंधान कार्य अनुसंधान करता सीधे तौर पर करता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का बीच में रुकावट नहीं होता है, अर्थात हर प्रकार की सूचनाएं सीधे प्राप्त करता है, स्वयं जाकर प्राप्त करता है, आदमी को भेज कर करता है, कैसे भी कर, लेकिन उसका डायरेक्ट उन आंकड़ों से कनेक्ट रहता है, तो उसे प्रत्यक्ष अनुसंधान। और जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है, भाई बता दो कितना है, किसी बता दो कितना है, ये दूसरे से सूचना ले रहा है, तो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष अनुसंधान। अगला है मौलिक व पुनरावर्तक अनुसंधान। मौलिक व पुनरावर्तक अनुसंधान। मौलिक व पुनरावर्तक अनुसंधान क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वे अनुसंधान जो पहली बार में, समझिएगा, वे अनुसंधान जो पहली बार में एक योजना बनाकर योजनाबद्ध ढंग से तरीके से तुरंत कर लिया जाता है या सीधे बार में कर लिया जाता है या एक ही बार में हो जाता है, तो उसे मौलिक अनुसंधान कहा जाता है। और जो अनुसंधान एक बार में सफल नहीं होता उसे पुनः बार बार पुनरावर्तक मतलब रिपीट किया जाता है, ना कुछ कमी है, दूसरा यूज करेंगे, तीसरा यूज करेंगे, चौथा यूज करेंगे, तब तक प्रयोग करता है जब तक कि वो जो सोचा है वो पूर्ण न हो जाए, उसे पुनरावर्तक अनुसंधान कहा जाता है। अगला है गोपनीय व खुला अनुसंधान। गोपनीय व खुला अनुसंधान। खुला अनुसंधान, अब ये गोपनीय व खुला अनुसंधान क्या होता है कि ऐसे अनुसंधान कार्य जो चुपचाप तरीके से किए जाते हैं, अर्थात इसका प्रकाशन नहीं कराया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता है, घर में बैठ कर रहे हैं, जब होगा तो बताएंगे, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसे अनुसंधान को गोपनीय अनुसंधान कहा जाता है। और खुला अनुसंधान क्या होता है? जिसको ढिंढोरा पीट के बताया जाता है, देखो भाई आज शादी है, अर्थात ऐसे अनुसंधान जिसको बताकर उसका उन सूचनाओं का प्रकाशन कराकर, ठीक ना, मैंने पब्लिसिटी कराकर लोगों को बताकर किया जाता है, तो उसे खुला अनुसंधान कहा जाता है। तो नाम से पता है, एक होता है, अगला है हमारा संपूर्ण अनुसंधान। संपूर्ण अनुसंधान वह प्रतिदर्श अनुसंधान। प्रतिदर्श अनुसंधान,
पूर्ण संपूर्ण अनुसंधान व प्रतिदर्श अनुसंधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। संपूर्ण अनुसंधान का, संपूर्ण अनुसंधान का मतलब होता है कि जब अनुसंधानकर्ता सभी प्रकार की सूचनाएं जितनी भी हैं, जानकारियां हैं, एकत्र करके एकदम विधिवत ढंग से करता है तो संपूर्ण अनुसंधान। इसका एक एग्जांपल बना रहे हैं, बता रहे हैं, यदि ऑडिटिंग पढ़ते होंगे, खैर आप तो फर्स्ट ईयर में होंगे, शायद ऑडिटिंग नहीं पढ़ते होंगे। जैसे मान लीजिए संपूर्ण अनुसंधान क्या, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आप क्लास में जब कोई नए क्लास में एक टीचर पहुंचा और वो जानना चाहता है कि क्लास की सिचुएशन क्या है, क्लास की स्थिति क्या है, उसने एक या दो बच्चों को खड़ा करा के एक आध क्वेश्चन पूछा। जब उन बच्चों ने एकदम सही सही जवाब दिया तो वो मान लेगा क्लास बहुत ही अच्छा, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी बहुत है। और एक दूसरा तरीका होता है कि जब टीचर क्लास में गया और एक एक करके बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहा, बताओ भाई, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, सबसे पूछ रहा और सबसे डाटा कलेक्ट करके फाइनल रिपोर्ट देता है कि भाई ये क्लास की ये स्थिति। तो दो तरीके से हुआ। तो ऐसा अनुसंधान जिसमें अनुसंधानकर्ता समस्त प्रकार की जानकारियां प्राप्त करता है, सबके बारे में चेक करता है, जांचता है, परखता है, तब वो अपना कार्य करता है, तो संपूर्ण अनुसंधान का है। ठीक उसी तरह कि जब अनुसंधान करता, मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसने चीजों को चेक करना, सबका जो चेक किया और उसके बाद से अपना निष्कर्ष निकाला तो संपूर्ण अनुसंधान। लेकिन सबकी जांच न करके किसी एक इकाई की, एक यूनिट की, एक पार्ट के, एक हिस्से का, जैसे कि क्लास में बताया कि एक या दो बच्चे को खड़ा करा के पूछ लिया, बाकी से नहीं पूछा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श अनुसंधान। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, सैंपल का मतलब है, देखते होंगे मार्केटिंग करने वाले तमाम लोग आते हैं और किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने के लिए एक सैंपल दे के जाते हैं, सबको सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्यों देते हैं कि आप हमारे सामान को लीजिए फ्री में, इस्तेमाल करिए, उसके बाद अच्छा लगे तो हमको कॉल करिए, ऑर्डर करिए। ये क्या कहलाता है, प्रतिदर्श अनुसंधान, प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगला इसमें टॉपिक जो दिया गया है, क्रमिक अनुसंधान और सामयिक अनुसंधान। क्या है क्रमिक अनुसंधान व सामयिक अनुसंधान? सामयिक अनुसंधान, ठीक है, क्रमिक अनुसंधान और सामयिक अनुसंधान क्या होता है? बाबू देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बनना है। देखिए, क्रमिक अनुसंधान और सामयिक अनुसंधान ऐसे अनुसंधान कार्य जो कंटिन्यू रोज प्रतिदिन किए जाते हैं, ये क्या कहलाता है, क्रमिक अनुसंधान। मतलब ऐसे अनुसंधान कार्य जो रोज नित्य दिन प्रतिदिन किए जाते हैं, उसमें ब्रेक नहीं लगता, किया ही जा रहा है, किया ही जा रहा है, कभी तो सक्सेस होगा, एक समय आएगा पूरा हो जाएगा, तो एक क्रमिक अनुसंधान। और ऐसे अनुसंधान कार्य जो रोज नहीं किए जाते हैं, सामयिक मतलब साल में एक बार किया जाएगा, जैसे किसी भी कंपनी की स्थिति के बारे में जानना है या किसी विशेष पार्ट के बारे में जानना है या किसी खातों की जांच करना है तो रोज नहीं जाएगा, साल में एक बार जाएगा, चेक कर लेगा एकदम ओके, या ये रिपोर्ट ये गलत ये सही तमाम चीज। तो ये सामयिक अनुसंधान कि जो अनुसंधान कार्य नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं वो सामयिक क्रमिक, और जो अल्टरनेट करके जब इच्छा की तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे साल में इकट्ठे भर एक बार चले जाएंगे, तो सामयिक अनुसंधान कहलाता। एक होता है विस्तृत व सीमित अनुसंधान, विस्तृत व सीमित अनुसंधान। विस्तृत व सीमित अनुसंधान क्या होता है,
ऐसे अनुसंधान कार्य जिसमें बहुत सारी डाटाओं की आवश्यकता होती है, बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, लंबे समय के लिए होती है, तो विस्तृत असीमित मतलब बहुत छोटे कार्य के लिए होती है, बहुत कम डाटा चाहिए तो क्या होता है, सीमित अनुसंधान। एक होता है सरकारी व गैर सरकारी अनुसंधान, सरकारी व गैर सरकारी अनुसंधान, ये तो नाम ही से जान गए होंगे कि ऐसे अनुसंधान कार्य जो केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा कराए जाते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं, तो उसे सरकारी अनुसंधान। और जो अनुसंधान का सरकारी संस्थाओं द्वारा न करा के कुछ निजी संस्थाओं के द्वारा कराए जाते हैं, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, तो उसे गैर सरकारी अनुसंधान कहा जाता है। अगला का बहुत है, तो ये तो था आपका अनुसंधान। तो ये अनुसंधान का बाबू टॉपिक का आप लोग का समाप्त हो गया, ये आपका यूनिट 3 समाप्त हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, तो थोड़ा ब्रेक चाहेंगे 1 मिनट के लिए, तब नोट करिए, ठीक है, आते हैं अभी। हाँ, तो बच्चों नोट कर दिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं, अब यूनिट नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं, समंकों का संकलन कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। टॉपिक हमारा है यूनिट 4, समंकों का संकलन। एक मिनट, ये ऊपर वाला मिटा दें, कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। समंकों का संकलन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हो, देखते होंगे कि जब कोई अनुसंधान करता होता जो सांख्यिकी से संबंधित सूचनाएं एकत्र करने वाला होता, तो जब विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जब कोई अनुसंधान करता विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करता है, तो उसे कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जाता है। अब ये डाटा आपके 2 तरीके से होते हैं, प्राथमिक समंक द्वितीय समंक, लेकिन हम प्राथमिक और द्वितीय पर नहीं चल रहे, हम सीधे अनुसूची और प्रश्नावली और अनुसूची पे चल रहे हैं, क्योंकि वो प्राथमिक और द्वितीय समंक नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा में 2 शब्दावलियां हैं, एक है प्रश्नावली और एक है अनुसूची। अब प्रश्न ये है कि प्रश्नावली क्या होता है और अनुसूची किसे कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसका टॉपिक एक है, हम इधर लिखते हैं प्रश्नावली और इधर लिखते हैं अनुसूची। ये इधर से गलत हो जा रहा है, अनुसूची शेड्यूल। प्रश्नावली क्या होती है और अनुसूची क्या होती है, ये लगभग दोनों जो होते हैं एक तरह से सेम प्रकृति की होती है, थोड़ा सा इसमें अंतर है बस। जो हमारी प्रश्नावली होती है वो एक लंबे चौड़े प्रश्नों की सूची होती है, क्या होती है, प्रश्नों की सूची होती है। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं, आपका एग्जाम का पेपर मिलता है, टीचर के द्वारा पेपर बनाया गया रहता है,
तो टीचर पेपर तैयार करते समय वो पहले बहुत सारे प्रश्नों को कलेक्ट करता और उसके बाद से उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चनों को लिखता, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नावली कहा जाता है। उसमें छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, वो आसानी से उसका उत्तर दे सके, ऐसे प्रश्न पत्र तैयार करता। ठीक उसी तरह जब एक अनुसंधान करता जब प्रश्नों की सूची तैयार करता है, लिस्ट तैयार करता है, और उसमें सूचकों के माध्यम से, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से, डाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां हासिल करता, मतलब प्रश्नों को इस हिसाब से तैयार करता है कि उसे अनुसंधान से रिलेटेड सभी जानकारियां प्राप्त हो जाए। थोड़ा एक मिनट, कुछ ट्रबल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रश्नावली के बारे में। तो प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसमें जो उसका उपयोग करता है, जो उसका प्रयोग करता होता है, उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे दिया, हमने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा, इसलिए मैंने जगह छोड़ा कि आप प्रश्नों का उत्तर उस जगह पर आसानी से दे सके। तो प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसके साथ उत्तर देने का स्थान रिक्त छोड़ा जाता है, तो उसे प्रश्नावली कहा जाता है। प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं वो सूचकों से पूछताछ के उसमें लिखे जाते हैं या डाक के माध्यम से भरे जाते हैं। एक चीज और भी है, प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ टिप्पणी भी दिया जाता है, कुछ कमेंट करना रहता है, कुछ टिप्पणी करना रहता है, तो वो भी आसानी से दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्जाम का जो पेपर हुआ, समझिए एक तरह से वो क्या है, प्रश्नावली। क्योंकि प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर पुस्तिका दी जाती है, उस पर आपको उत्तर लिखा जाएगा, देना रहता है। एक तो होता है कि भाई कि आप याद करके लिखिए, एक किताबें पकड़ा दिया जाए कि लो इसी में से छांट को लिख लो, ये क्या है, प्रश्नावली है। अनुसूची में क्या होता है कि अनुसूची में रिक्त स्थान छोड़ा नहीं जाता, इसमें कोई भी ब्लैंक जगह नहीं छोड़ा जाता। कहने का मतलब है कि ये भी प्रश्नों की एक सूची है, मगर उत्तर देने के लिए कोई जगह छोड़ा नहीं जाता। अर्थात तो क्या किया जाता है, तो प्रश्न का उत्तर कहां से मिलेगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस, ठीक ना, यस या नो में देना होता। मैंने आपसे पूछा आपकी शादी हुई है, तो आपने कहा नहीं, तो बस हमने नो पे टिक लगा दिया। आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो हमने यस पे टिक लगा दिया। आप नौकरी करते हैं, तो नहीं, तो नो पे टिक लगा दिया। फिर उसके बाद से आपके नाम से मकान है, तो हाँ है, तो यस पे टिक लगा दिया। कहने का मतलब कि प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसका उत्तर केवल यस या नो में देना होता, तो उसे अनुसूची कहा जाता। ऐसे प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कमेंट या टिप्पणी देना आवश्यक नहीं होता और ना ही उसके लिए कोई जगह होता। तो ये तो था हमारा प्रश्नावली, ठीक है। बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डाटा में मेन आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा वो बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बड़ा भी हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि इस प्रश्नावली और इस अनुसूची में क्या क्या अंतर है, इस प्रश्नावली और अनुसूची में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर, प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्नावली में क्या होता है, प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसके लिए का मतलब उत्तर देने के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रिक्त स्थान उत्तर देने के लिए नहीं छोड़ा जाता,
इसमें रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। दूसरा है सेकंड टॉपिक, प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर सूचकों से पूछताछ की जाती है, ठीक है। इसके जो उत्तर होते हैं सूचकों से क्या करके पूछकर भरी जाती है। इसमें क्या होता है कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचक के पास जाकर जानकारी प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है कि स्वयं सूचक के पास जाकर उत्तर भरता है। उत्तर क्या करता है, भरता है। हाँ पूछेगा यस तो यस, नो तो नो, मतलब हाँ ना में भरेगा। अगला जो प्रश्नावली होती है इसमें टिप्पणी देना अनिवार्य होता है। मतलब इसमें टिप्पणी दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, टिप्पणी देना अनिवार्य नहीं होता है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है। अगला क्या है कि प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं, इसके उत्तर के लिए डाक से भेजकर भी उत्तर प्राप्त करते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना आ गया है, देखते होंगे कोई भी कमेंट डाल दीजिए फेसबुक पर चाहे अपना यूट्यूब पे, हाँ आज कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, कौन जीतेगा, तो रेटिंग रहता है ये। आज चुनाव में किसकी बाजी मारेगी, तो ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी जीतेगी, जिसका पोल ज़्यादा रहता है, मैंने संभावना जिस पर लोग ज़्यादा व्यक्त करते हैं उसी के यस को करते हैं। तो डाक से भी उत्तर प्राप्त किया जाता है। और उसमें क्या है, इसमें डाक से उत्तर नहीं प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है, डाक से उत्तर नहीं प्राप्त किया जाता। ये चार अंतर रहने दीजिए, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि एक अच्छी प्रश्नावली को तैयार करते समय, किस चीज को तैयार करते समय, एक अच्छी प्रश्नावली को तैयार करते समय अनुसंधानकर्ता को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा है कि एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई भी अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक बहुत बड़ी लिस्ट या सूची तैयार करता है तो उसे सूची तैयार करते समय, प्रश्नों की लिस्ट तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो मुख्य पॉइंट है ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी इस पर ये भी पूछा जाता है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के आवश्यक गुण बताइए। ये जो क्वेश्चन है इस पर दूसरा कोई क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के आवश्यक गुण बताइए। तो श्रेष्ठ प्रश्नावली में कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, तो यहां पे देखिए, सबसे पहला है कि प्रश्नावली का आकार छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रश्नावली का आकार छोटा होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आप ही को टीचर बना दिया जाए, कहा गया कि बच्चों का टेस्ट लीजिए, बच्चों की परीक्षा लीजिए, तो क्या करेंगे, प्रश्नों की बारिश कर देंगे, नहीं। जो भी हम प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, प्रश्नों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, एक हिसाब से तैयार करें कि बच्चा आसानी से उतने समय में आंसर दे सके,
उसी तरह जब एक अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली तैयार करता है तो जो प्रश्नावली का जो आकार है, प्रकार है, वो थोड़ा छोटा, ताकि शीघ्रता से आसानी से सूचनाओं को एकत्र कर ले, जानकारियां प्राप्त कर ले। दूसरा, प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट शब्दों में होने चाहिए। दूसरा क्या है, प्रश्नावली के प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है, हमारे प्रश्न है, बहुत कठिन लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए कि समझे में ना आए क्वेश्चन क्या कहा गया, एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में और साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए। घुमा फिरा के गोल मोल देखते ही होंगे, घुमा के ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि अगला समझे ना पाए कि क्या पूछा है। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसको अगला पढ़ने वाला, उसका उत्तर देने वाला एकदम शीघ्रता पूर्वक सरलता से समझ ले और उसका उत्तर ठीक ढंग से दे दे। अगला है प्रश्नों की प्रकृति। अगला क्या है, प्रश्नों की प्रकृति। अब देखे होंगे कि कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम पे ही मैं तुलना कर रहा हूं, तो एग्जाम में केवल एक बहुत फिक्स नहीं है कि सब 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए, 20-20 नंबर के, ऐसा नहीं होता है। हर एग्जाम में कुछ छोटे प्रश्न भी रहते हैं, कुछ उससे बड़े रहते हैं, कुछ उससे बड़े रहते हैं, कुछ बहुत बड़े रहते हैं। तो जो प्रश्नों की प्रकृति होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए, उसको भिन्न भिन्न वैरायटी के क्वेश्चन देने चाहिए, ताकि कुछ बच्चे होते हैं कि यदि लॉन्ग दे दिया जाए तो लॉन्ग रट देते हैं और लिख देते हैं, और कुछ शॉर्ट दे दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और शॉर्ट पढ़ने वाले लॉन्ग में कंफ्यूज होंगे, तो मतलब सब पढ़े। तो प्रश्नों की प्रकृति जो होती है वो स्पष्ट होना चाहिए, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, फिर बड़े प्रश्न। अगला, प्रश्नों के बीच उचित शब्दों का प्रयोग। ऐसे चलिए, प्रश्नों में उचित शब्दों का प्रयोग, उचित शब्दों का प्रयोग हो, मतलब कि जो हमारे प्रश्न है उसमें जो शब्दों का प्रयोग हम किए उस शब्द एकदम अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कड़वाहट वाला प्रश्न हो। देखते होंगे पूछता है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक ना, इस क्वेश्चन को हल करिए, इस प्रश्न को हल करिए, या एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब एक सटीक और अच्छा लैंग्वेज में शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नावली तैयार करते समय, मतलब प्रश्नों की सूची तैयार करते समय, प्रश्नावली तैयार करते समय सूचकों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी प्रश्नावली हम तैयार कर रहे हैं तो इसका जो उत्तर देने वाला है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। पता चले कि अंग्रेजी जानता ही नहीं उस पर अंग्रेजी झाड़े जा रहे हैं, भोजपुरी जानता ही नहीं है भोजपुरी झाड़े जा रहे हैं, अरे भाई जैसे जानता है वैसे पूछिए ना। तो जो भी प्रश्नावली के प्रश्न हैं पहले यह देखिए कि अगला क्या जानता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है। देखते होंगे कुछ लोग देखते हैं कम पढ़े लिखे वाले होते हैं, उनके पास हिंदी में एकदम खड़ी भाषा में, अरे भाई देहाती में बोल रहा है देहाती में बोलिए। तो प्रश्नावली तैयार करते समय सूचकों की योग्यता जो होती है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा है इस क्लास में पढ़ रहा है, इसका उत्तर दे सकता है कि नहीं दे सकता है, क्योंकि उसी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं कि बहुत हाई लेवल या बहुत लो लेवल। अगला है कुछ भी प्रश्नावली में आवश्यक दिशा निर्देश होने चाहिए।
दिशा निर्देश होने चाहिए, होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो कुछ उसका डायरेक्शन नियम कानून भी देना चाहिए। देखते होंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेपर जब मिलता है तो सबसे पहले विषय के बाद से लिखा रहता है नोट या आवश्यक निर्देश, लिखा रहता है कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, खंड ए से 2 प्रश्न, खंड बी से 2 प्रश्न करना, ऐसा लिखा रहता है। यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे आता है, लेकिन निर्देश जरूर रहेगा। ऐसे भी रहता है कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी प्रश्नों को अंक समान, इस टाइप के कुछ निर्देश रहते हैं। तो हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को जब भी प्रश्नावली तैयार कर रहा है तो उसे एक आवश्यक निर्देश देने चाहिए, ठीक है ना। अगला, प्रश्नावली में धार्मिक व भावात्मक प्रश्नों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी प्रश्नावली है उसमें धार्मिक और भावात्मक प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब, और ऐसे खास तौर से प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले, मतलब किसी विशेष जाति और धर्म से रिलेटेड प्रश्न नहीं होने चाहिए। इससे ये होती है उनकी कुछ धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कुछ उसमें विशेष जातियों का भी ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहिए, भाई सभी बच्चे हैं, समान हैं, तो ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, हमारी जो प्रश्नावली आकर्षक होनी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो बड़ा अट्रैक्टिव रहता है, पेपर है, ऐसे ही पन्ने पे छपवा कर दे तो लगेगा पेपर है, नहीं। तो जो प्रश्नावली है, प्रश्न पत्र है, जो प्रश्नों की सूची है, लिस्ट है, यदि वो अट्रैक्टिव रहेगा तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति उसको चाहेगा पढ़ना, और जब पढ़ेगा तो कुछ तो उत्तर निकलेगा। तो प्रश्नावली के हमारी कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, प्रश्नावली की लिखिएगा सत्यता की क्रॉस जांच होनी चाहिए। प्रश्नावली की सत्यता की क्रॉस जांच का मतलब है कि जब भी प्रश्नावली तैयार करें या प्रश्नों की सूची तैयार करें तो वहां पे हम क्या करें, उसकी क्रॉस जांच कर लें, माने बार बार उसको चेक कर लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है, सेंटेंस सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इधर उधर हो गया हो, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और भी एक दो पॉइंट है, वो भी बता दें। एक और है, कुछ विशेष प्रकार के या इसको अनावश्यक कह लीजिए, अनावश्यक प्रश्नों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब प्रश्नावली में कोई भी फालतू प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड है उसके अतिरिक्त तो कोई भी इधर उधर की फालतू प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगला,
प्रश्नावली के, प्रश्नावली के प्रश्नों के लिए, प्रश्नों के लिए उचित रिक्त स्थान होना चाहिए, रिक्त स्थान होना चाहिए, मतलब कि उसका उत्तर देने के लिए एक व्यवस्थित ढंग से जगह होना चाहिए कि उत्तर आसानी से दे सके। तो इस तरह का था ये प्रश्नावली और अनुसूची। तो मैंने दो यूनिट आपको अभी बताया, क्या बताया, एक सांख्यिकी अनुसंधान और दूसरा टॉपिक प्रश्नावली और अनुसूची। एक कलेक्शन ऑफ डाटा का ही पार्ट है, लेकिन मेन कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर जब चलेगा थर्ड लेक्चर तो उसमें मिलेगा। फिलहाल तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक चीज और कह रहे हैं कि जो भी चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आप ही को फायदा रहेगा, लेक्चर हमारा जितना भी जाएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर से पास होइए और हमारा वीडियो भी देखते रहिए। और वीडियो बाबू अच्छा लगे तो लाइक, बार बार कहते हैं लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, दौड़ा दीजिए कि सब पढ़े, ठीक है। फिर अगले क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए।